will share my screen. It's a day four for the training. Day four of the training. Okay. As per your suggestions, I will be posting the links related to different programs in the classroom. And even I will share the video from recording of the session. Okay, so videos of recording of the session in the classroom itself, in the classroom. Okay, that will be appropriate and I will be sharing that in the classroom itself. Apart from that, whatever programs we followed, program on Google Colab, अभी तक के जितने भी प्रोग्राम हम लोगों ने किए हुए, we will try to upload that links of program on Google Colab, Google Classroom rather, ठीक है? हम लोग Google Classroom में I will upload that programs so that for reference purpose like you can refer the programs also, and I will be putting up the challenges, more number of challenges I will be putting up for you to solve about. Basically I kept it a little low profile for like number of problems till today, because we were in hunting of like trying and understanding the Python itself for the very first. And that's why I stocked up with like very simple concepts. There are like advanced also concepts, but fundamentally jo easy hai to start up with the programming language, jo basically ek part hai jo understanding which is like sufficient sumptuous understanding ke liye jitna lagne wala hai utna maine aapko bataya hai. Abhi hum log प्रोसीड कैसे करेंगे फ्रॉम टुडे सेशन ऑनवर्ड्स, लाइक टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस इन पाइथन. वेरी वेरी इजी एंड एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस इन पाइथन. इसमें लाइक नॉर्मल फंक्शन रहता है जिसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते हैं, दूसरा रहता है नॉर्मल सिंगल आर्ग्यूमेंट रहता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, और हम लोग उसको पैरामीटर पासिंग बोलते हैं, ठीक है. एंड उसके बाद रहता है, तीसरा रहता है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, एंड फोर्थ रहता है लैम्डा, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है. लैम्डा इज डिफरेंट All together. Lambda is for replacement of something. कल हम लोगों ने जैसे print statement देखा कि नहीं, वैसे ही इसका भी है. Lambda function का भी एक special purpose है. वो lambda function is a special function used in Python. And ज़्यादातर lambda function के इसमें mathematical expressions के लिए solution के लिए use होता है. So we will look forward for that also. Now, once we look into the function, we'll try to understand the exception handling. Exception handling. ठीक है? एकदम simple है exception handling में. Look, if देखो आप let's think from this perspective. What happens and what to do with that? Mechanical में आप lathe machine पे काम कर रहे हो and lathe machine पे काम करते करते कहीं तो वो मशीन का जो सिस्टम है कहीं तो अटक गया है, ठीक है, कहीं तो अटक गया है नॉर्मल वर्किंग में, कहीं तो अटक गया है. या जो जॉब आप तैयार कर रहे थे, रादर हाँ, ये एग्जांपल हो सकता है. इफ यू आर वर्किंग ऑन लेथ मशीन
लेथ मशीन पे काम करते वक्त आपके डायमेंशन जो है, डायमेंशंस में लाइक 20 mm बाई 20 mm का एक जॉब वर्क है, ठीक है, 20 mm बाई 20 mm। लेकिन अचानक उसमें से एक पीस ऐसा आया जिसका साइज 10 mm बाई 10 mm है। सो 10 mm बाई 10 mm आने के बाद हम लोगों को समझ में आ रहा है कि वो भाई दिस इज लाइक डिफरेंट देन दी लाइक यूजुअल वन, ठीक है। और 200 mm बाई 200 mm, और ये 100 mm बाई 100 mm है, ठीक है, 10 cm बाई 10 cm एंड 20 cm पे जो यूजुअली आप वर्क कर रहे हो। तो व्हेन देर इज एन लाइक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ऑकर्ड, देन वी कॉल इट एज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस मन तो अपन एक्सेप्शनल, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो एक्सेप्शंस मे ऑकर। व्हाट आर द एक्सेप्शंस मे ऑकर, लाइक क्या एक्सेप्शंस ऑकर हो सकते हैं जहां पे मैं एक इंटीजर की, ठीक है, इंटीजर आने का या इंटीजर इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूजर से, उसकी जगह पे इंटीजर इनपुट की जगह पे अगर वहां पे मुझे टेक्स्ट एज ए इनपुट मिल गया, ठीक है, मतलब ओटीपी जो रहता है ना, वन टाइम पासवर्ड वगैरह आता है वहां पे, इंस्टेड ऑफ डिजिट, अगर डिजिट में है वो पासवर्ड, न्यूमरिकल पासवर्ड है, तो वहां पे अगर मैंने टेक्स्ट लिख के भेज दिया, तो दिस इज लाइक एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहां पे मैं नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने मेरा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पे टेक्स्ट आ गया। सो दिस काइंड ऑफ एन सिचुएशन इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो हाउ दिस एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड इन प्रोग्रामिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टिंग यूनिट में अगर ये पर्पस है तो यू नीड टू नो अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग वेरी वेल। तो क्या होता है एक्सेप्शन, कैसे हैंडल करना है, वो पार्ट देखेंगे। And once we finish up with this part, exception handling and function, we'll try to go through little tricky or magic use of Python functionality. पाइथन के जितने भी है, मतलब हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट देखा था, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट, अरे प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न इन लाइक 11 different ways, लाइक 11 के ज्यादा ही तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस दिस वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर, लाइक इसमें हम लोग, बिकॉज आई जस्ट डोंट डिडंट वांट लाइक कि यू पीपल टू लाइक गेट अवे थ्रू विद दिस पार्ट, सो आई केप्ट इट इंटेंशनली लाइक यू शुड नो अबाउट द फंडामेंटल्स फर्स्ट, बेसिक बेसिक ऑपरेशन आना चाहिए, फिर जाके आप लाइक यू बिकम एन मास्टर इन दिस। सो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग, लाइक इफ टाइम परमिट्स टूडे, इफ टाइम डजेंट परमिट अस टूडे, वी विल गो इट फॉर दैट टुमारो ऑन, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट, वील वर्क इट आउट, ओके। So, how we will be proceeding further for this? Yeah, are there like so? Let's jump back to the Google Colab now. So hopefully you people are working and practicing on the Google Colab. Look, 1 or 2 days, yeah, 1 or 2 weeks mein aap isme like you'll become a specialist for this particular programming language. It's not possible or it's not going to happen. Like since last 5 6 years I am working with Python, and every time I come to know about something new. So this is the vast nature of this particular programming language. You need to understand that, and the way you like
कंप्लीट दिस विल हेल्प यू नो, जितना आप इस पे ज्यादा काम करोगे उतना बेहतर आपको रहेगा, ठीक है। माय फर्स्ट सर्टिफिकेशन आई डन फ्रॉम द कोर्सेरा, फ्रॉम द राइस यूनिवर्सिटी यूएसए, रिलेटेड टू द पाइथन, वाज वे बैक इन 2016, ठीक है। 2016 से आई एम वर्किंग इन पाइथन। तो दिस गिव्स मी अ चांस टू वर्क आउट विथ लाइक डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। मैंने पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स परस्पेक्टिव से भी कैसे यूज कर सकते, रास्पबेरी पाई इज अनदर टू, ठीक है। वो एक छोटा सा पॉकेट साइज कंप्यूटर है, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं वो भी कर। सिमिलरली दिस पर्टिकुलर पाइथन लैंग्वेज इज हैविंग अ ब्रांच स्पेसिफिक, लाइक सिविल इंजीनियरिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे कर सकते हैं। प्लीज गो थ्रू इट, दैट विल हेल्प यू। जितना सर्च करके इसके बारे में आप करने की कोशिश करोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन नाउ। व्हाई वी नीड एन फंक्शन इन वेरी फर्स्ट प्लेस, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो इफ वी गो थ्रू दिस फंक्शन, नाउ let us take an example. What you have is एक particular ना कैसे रहता है, अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूं, इफ आई राइट अ प्रोग्राम कोड, ठीक है, उसमें से ये एक दो तीन चार, ठीक है, ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, लाइन्स ऑफ कोड आर रिपीटेड, यहाँ पे भी रिपीटेड है। अगर मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे भी रिपीटेड है वही पार्ट, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी रिपीटेड है। तो इफ देन लाइक फोर लाइंस ऑफ कोड हैज बीन रिपीटेड, 1 2 3 4 एंड आई कैन कंटिन्यू ऑन। एंड अगर मैं ऐसा प्रोग्राम कंटिन्यू लिखता हूं और यहाँ पे भी रिपीटेशन, 5 times इट्स अ रिपीटेशन ऑफ दैट सेम कोड, तो ऐसा कुछ है क्या, मैं यहाँ पे एक ही बार ये चार लाइन का कोड है, ठीक है, 4 line कोड मैं एक ही बार लिखता हूं और उस कोड को कुछ पर्टिकुलर नाम दे देता हूं, आई विल नेम समथिंग, एंड व्हेन एवर आई विल रिक्वायर द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर 4 lines ऑफ कोड आई विल कॉल दैट स्टफ, मैं सिर्फ उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा उस फंक्शन का। अगर मैं उस चीज का नाम यहाँ पे लिख दूंगा तो मेरे को ये वापस से 4 बार नहीं लिखने की जरूरत है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखा है मैंने तो रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आई कैन कॉल दैट फंक्शन नेम हियर। तो इससे फायदा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज एन कोड री यूजेबिलिटी, this is the concept called as code reusability. What is mean by code reusability? जो एक बार आपने तैयार करके रखा हुआ function है वो हम लोग बार बार reuse कर सकते हैं, वही चीज हम लोग बार बार use कर सकते हैं। So this is how the functions are like, and how to write the function वगैरह ये तो हम लोग देखेंगे, but functionality मतलब इसका working या इसका purpose समझना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास 10,000 लाइन का कोड है, ठीक है, 10,000 lines ऑफ कोड, एंड आउट ऑफ दैट लाइक देर इज 200 lines रिपीट फॉर 6 times, ठीक है, 200 lines आर रिपीटिंग 6 times, अगर 6 times रिपीट कर रहे हैं तो यहीं पे मेरे 1200 लाइंस कम हो जाते हैं, एटलीस्ट 1000 लाइंस आई गेट सेव्ड विद, आई नीड टू राइट द 200 लाइंस एटलीस्ट वंस, बट ये अगर मेरे 200 लाइंस 6 times रिपीट हो रहे हैं तो आई कैन सेव विद 1000 लाइंस ऑफ कोड, एंड 1000 लाइंस ऑफ कोड अगर मैं सेव कर रहा हूँ लिखने का, और वो अगर मैं रिपीटेडली यूज कर रहा हूँ उस प्रोग्रामिंग पार्ट को, देन दिस इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ योर कोड,
उसमें सेव होता है बहुत, मतलब लिखने के लिए पैसा भी बचता है, मेमोरी भी बचती है, एवरीथिंग कम्स इन. ठीक है, सो हाउ टू राइट द फंक्शन. ठीक है, फंक्शन इन पाइथन. तो टू राइट द फंक्शन वी नीड टू डिफाइन इट. सो डीईएफ स्टैंड फॉर डिफाइन नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन. ठीक है, जो भी हम लोगों को फंक्शन का नाम लिखना है, और उसके जो अगर आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ पास करना है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट एंड देन कोलन होने के बाद यहाँ पे प्रिंट या जो भी स्टेटमेंट है आपके. ठीक है, स्टेटमेंट्स जो रिपीटेडली हम लोग यूज करने वाले हैं या कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, देन वी राइट दैट स्टेटमेंट्स इनसाइड दिस. एंड नाउ इन द मेन प्रोग्राम हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेइंग लाइक प्रिंटिंग द स्टेटमेंट. एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफाइन हेलो. ठीक है, हेलो वर्ल्ड. नो, ठीक है, हेलो. ठीक है, आई विल रिमूव दैट. डिफाइन हेलो. ठीक है, एंड दिस इज द कोलन एंड प्रिंट हाय फ्रॉम फंक्शन. ठीक है, नाउ हियर इफ आई राइट हेलो ओनली, दिस विल कॉल द फंक्शन एंड इट विल प्रिंट दिस पर्टिकुलर हाय फ्रॉम फंक्शन हेलो. लेट्स सी, जंप बैक टू योर गूगल कोलैब एनवायरमेंट वेयर वी विल बी राइटिंग द फंक्शन. एंड सो वी नीड टू डिफाइन अ वेरी सिंपल फंक्शन, डिफाइन हेलो. ठीक है, वी कैन की टेक इट एज इन कैपिटल ऑल्सो. वी आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, सो राउंड ब्रैकेट इज एन एम्प्टी. सो एंटर एंड प्रिंट इट्स अ हाय फ्रॉम फंक्शन हेलो. ठीक है, एंड नाउ इन द मेन प्रोग्राम लाइक आई एम कीपिंग लाइक फॉर जस्टिफिकेशन आई एम कीपिंग द गैप ऑफ वन लाइन. I can have A equals to 10, B equals to 100, and then I can perform some task, print A plus B. It will print that 110, and then I will print, or rather, I don't need to print. I just need to call that hello function. So hello, and a round bracket, khatam. Now hello is a function, and name of the function is been called. Hello and round bracket with this particular thing it gets now it calls this particular function where the print line ye iske andar jo bhi lines likhe hai wo execute hote hai. So what output I will get here is on first line I will get 110, I will get 110, and second line hi from function hello. So let's see if I run this particular code, if I run this particular code what I will get. It is getting connected, the initializing, and this is how our output looks like. So we got like 110, and we got hi from function hello. Now this is the simplest form. अभी वो ऊपर का statement मेरे को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं. Once I return, I can call it n number of times. Like मैं जितनी दफा चाहिए उतने बार उसको call कर सकता हूँ. You can see that. I can call it many number of times. So this many number of times, it's almost 7 times I called it. So likewise, as many times you wish, you can use it or reuse it. ठीक है, जितनी बार चाहिए उतनी बार आप इसको कॉल कर सकते हो. एक बार लिखा उसका डेफिनेशन,
Now this is the definition we have written once and we can call it for number of times. Jitni bar chahiye utni bar likh sakte hain. So let's okay. Now let's take another type of function where arguments will be passed. Now we wish to pass the argument. Now what do you mean by argument is the variable. ठीक है, अगर मेरे को कोई वेरिएबल वैल्यू जो है वो अगर मेरे को पास करनी है, पैरामीटर्स बोलते हैं या वेरिएबल्स बोलते हैं, अगर मेरे को वो पास करना है तो हाउ विल बी पासिंग दैट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स टेक द मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो अगर मेरे को मल्टीप्लीकेशन या एडिशन का करना है तो डिफाइन या आई कैन टेक लाइक कोई भी, लेट्स टेक एंड एडिशन. सो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन राइट, आई विल टेक इट एज लाइक ए कॉमा बी. ठीक है, ए कॉमा बी एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रिंट एडिशन ऑफ A and B is equal to A plus B. This is the simple thing that we will get addition of A and B. And what I can do is, if I have like x equals to 10 and y equals to 40, then I can addition x comma y. Okay, I can use the x and y variable. X is having 10 value and y is having 40 value. Now this 10 value, instead of x, it will pass 10 as a value. ये वाला value कहाँ पे जाएगा? ये a करके जाएगा. a नाम से ये वाले इसमें जाएगा. a will have a value 10 and b will have value 40. This 40 will be passed to this b. Now I can also use this addition as addition. यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल यूज किया. I can directly pass the like value also, like I can have a 55.5. ठीक है, 55.5 दोनों. so I will get two print statement. In first print statement I will get addition of 10 and b is 40. 10 and 40 is 50. In second, ये वाला सेकंड जो फंक्शन हम लोगों ने वापस कॉल किया है, इसमें 50 एंड 55 और 5 हम लोगों ने डायरेक्टली पास किया, तो विल गेट द 60 एज एन आउटपुट. सो लेट्स सी. सो यू कैन सी दैट एडिशन ऑफ 10 एंड 40 इज 50. इन सेकंड केस एडिशन ऑफ 55 एंड 5 इज 60. सो वी कैन यूज इन बोथ द वेज, वी कैन यूज इट इन बोथ द फैशन. ठीक है, अब यहाँ पे पहला फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा, जहां पे कोई भी आर्ग्यूमेंट हम लोग पास नहीं कर रहे थे, वी वेर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सेकंड केस क्या है, एडिशन है. यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन किया. ठीक है, वी कैन हैव अ मल्टीपल फंक्शनैलिटीज आल्सो, नॉट ओनली एडिशन. ऐसा लेट्स डू दैट. ठीक है, मल्टीपल फंक्शनैलिटी, लेट्स डू द कैलकुलेटर. सपोज डिफाइन कैलकुलेटर ए कॉमा बी. ठीक है, वी कैन प्रिंट ए. ओके, विल टॉक एडिशन ए इक्वल्स टू ए प्लस बी. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल टेक सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज ए माइनस बी. उसके बाद मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन विल बी ए मल्टीप्लाई बाय बी. वी कैन हैव अ डिवीजन आल्सो,
will have a division. Division is equal to A divided by B. Now, if I take any argument here, A B le sakte, there is no problem about data. I can pass the argument as calculator. Okay, calculator, and I can pass it as 100, comma, like 20. Let's take that. If I take 100, comma 20, what I should get it as, I will get the four statements. Okay, I will get the four statements, and I will tell you one of the tricky stuff here. Print. देखो हर चार स्टेटमेंट के बाद ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20. सो व्हाट दिस स्टेटमेंट पर्टिकुलरली डज इज इट डज दिस वे. ऐसी ऐसी लाइन आएगी आउटपुट में. मतलब ये क्या करेगा मल्टीप्लाई बाय 20. दिस इज अ ट्रिकी पार्ट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. मेरे को हर बार ये लिखते बैठना नहीं है. मेरे को ऐसा करके नहीं करना है. मैं एक ही बार लिखूंगा और उसको 20 करके लिख दूंगा 20 या 30. देन 30 टाइम्स दैट विल बी प्रिंटेड रिपीटेडली. ठीक है लेट्स सी. सो कैलकुलेटर दिस वैल्यू वी कैन टेक अनदर लाइक थिंग एज 10 एंड 60 एंड वी कैन टेक अनदर लाइक 30 and 10. So now, so we'll get total like addition, subtraction, division, multiplication as a char statements har bar hum logo ko milne wale hai, and we'll see that output. So you can see that after every ye, there is a line between this. Okay? There is a line in between. Are you getting it? Yes, ekdam simple hai. We are getting the output accordingly. Okay, great. So, what we done so far, like we had taken a simple function, very simple function. Okay, this is very simple function. Ekdam simple function without any argument. Okay. Without any argument or anything. So simple function just to call the number. In second case, we talked about function with known number of arguments and single statement. In this case, we have multiple statements in function. Okay. Now, we can have a function with multiple arguments. Agar aapko yahan pe ये वाले स्टेटमेंट को अभी भी डिफिकल्टी लग रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वी विल सी दैट. ठीक है इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई विश टू लाइक लेट्स टेक 10 टाइम्स इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट एनी स्ट्रिंग हेलो. ठीक है सो व्हाट इट विल डू इज इट विल प्रिंट हेलो 10 टाइम्स और उसमें अगर मैं यहां पे स्पेस डालता हूं तो इट विल बी अ गैप. अगर मैं स्पेस नहीं डालता हूं तो गैप नहीं रहेगा. चेक आउट हेलो 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 ऐसे 10 टाइम्स करके कर दिया इसने. नाउ इफ आई विश लाइक आई कैन हैव स्टार स्टार 3 स्टार्स विल बी टेकन. ठीक है ये टोटल 30 टाइम्स ये स्टार प्रिंट हुआ है. ये 40 टाइम्स हो जाएगा. ये 50 टाइम्स होगा. ये 60 टाइम्स होगा. करेक्ट इसका डबल हो जाएगा. सो यू कैन सी exactly double of it. Instead of this, like you can put any value. Like if you wish question mark should be there, then question mark 10 bar aayega. So this is the property of a print statement. Print statement mein ek speciality hai jo ye kaam karti hai.
मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो टेक्स्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है, टेक्स्ट जितनी बार है उतनी बार ये बढ़ाता जाता है, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट एंड नाउ वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू, ठीक है, विच रिटर्न्स वैल्यू। अभी एक सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है, जितना हो सकता है उस हिसाब से, लेट्स डू दैट। और यहाँ पे सी लैंग्वेज की तरह हम लोगों को कितनी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है वगैरह वो बताते नहीं बैठना पड़ता है, ठीक है। सो विल ट्राई टू वर्क आउट विद दैट। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दैट फंक्शंस, ठीक है। सो विल यूज इट, लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ द थिंग्स वर्क। Now, if I have something like this, what I want is, I want to have an addition of two numbers, or I want to compare the two numbers, or do the subtraction of the two numbers, or jo result hai, I want it in the form of return. Aur main mere function mein kahin pe bhi print nahi karne wala hu, wo wapas aane ke baad. So I will have. I will have like multiplication, suppose multi a comma b. Sir, a comma b is vaparava ka nahi, x comma y pan vaparu shakto, y comma z pan vaparu shakto, whatever you wished for. So you need to have this particular definition as name, then arguments in this bracket and then colon. Colon hone ke baad indented rehta hai. Indented matlab char spaces diye jate hai aur phir workout hota hai. And now what we can do is I can define z equals to x multiply by y, okay? And I can return the value of z, return the value of z, okay? Now with this return function from the function, what I can do is I can use this as like, I can have value a equals to 10, b equals to 20, and then I can have c equals to multi a comma b. Now what I can do is print multiplication is equal to c. I am passing the arguments and taking the result in the form of return. So the z hai उसको रिटर्न करके ले लिया मैंने, ठीक है, z को मैंने एज अ रिटर्न करके ले लिया, एंड आफ्टर टेकिंग इट एज अ रिटर्न व्हाट आई डन इज आई यूज्ड इट, दिस रिटर्न z जो लिखा है मैंने, तो उसको यूज करके यहां पे, इससे पहले जब भी हम लोगों ने फंक्शन लिखा है इसके सामने हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे अपना लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे कुछ भी नहीं लिखा था, राइट right? तो यहां पे मैंने सी क्यों लिखा, बिकॉज दिस जेड वैल्यू इज एन रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, जो फंक्शन का काम है, ये फंक्शन का काम होने के बाद ये वैल्यू रिटर्न होके आएगी ना, ये रिटर्न आई हुई वैल्यू जो है वो हम लोग सी में स्टोर कर रहे हैं, वंस वी स्टोर इट इन सी वी कैन यूटिलाइज इट फॉर प्रिंटिंग आउट एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्रिंटेड इट। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 विल बी 200, सो वी गेट द 200 एज एन मल्टीप्लीकेशन आंसर, ठीक है। तो C will be no called, ये C की वैल्यू जो है हर बार, सो अगर मैं यहाँ पे ये instead of this as a 25 कर देता हूँ तो I will get it as a 250, so I will get the answer as 250. So likewise we can change the value here itself and we will get the result accordingly. So instead of multiplication we can have a division also. ओके नाउ सर मग फक्त एकच व्हॅल्यू रिटर्न करता येते का? सी लँग्वेज मध्ये तसंच करावं लागतं, एकच व्हॅल्यू रिटर्न करता येते, जर मल्टिपल करायचं असेल तर तिथे पॉइंटर वगैरे पास करावा लागतो, इथे तसं नाहीये, इथे तुम्ही कॉमा ऑपरेटर वापरून करू शकता, मल्टिपल व्हॅल्यूज तुम्ही रिटर्न करू शकता, वी विल सी दॅट विच रिटर्न्स सिंगल व्हॅल्यू बोलते यहाँ पे, सिंगल व्हॅल्यू। नाउ वी कॅन रिटर्न विथ लाईक
वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो. अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था वो कैलकुलेटर का एग्जाम्पल लेंगे. सो विल टॉक अबाउट द कैलकुलेटर एग्जाम्पल अगेन. So we'll take the calculator example again. So if I write it this way, I can define calculator, and if I take the values as x comma y, and now what I can do is I can have I can have addition as a equals to a x plus x plus y, subtraction as equals to x minus y, and then I can have multiplication m equals to x multiply by y, and division d equals to x divided by y. Now I can return, I will follow the sequence a comma s comma m comma p. Okay, I am passing these four values. Now here I can define it as p equals to like 20 and q equals to like 5. And now what I can do is I will take the four variables as j comma k comma l comma n. M I already used, so I will not be recommending that. Calculator, and usme hum log p and q as a argument pass kar denge. And now I can print the values of multiplication, or rather pehla addition e equals to isn't j. Theek hai, addition is j. उसके बाद जो है वो k है वो subtraction है. Do shortcut sub. उसके बाद k के बाद l है वो multiplication है, mul multiplication, and आखरी जो है n वो है division. So if I run this, you can see that the multiple arguments. Okay, huh. Now what happens here is ye hum logon ne bataya nahi na ki how many arguments are there to pass it on and how many arguments are there to check it out. Theek hai, to ye wala jo return hai we need to write in some different fashion. Now what is mean by multiple return from function. Theek hai, तो इसके लिए एक स्पेशल यूज करना पड़ता है. मतलब डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे तो नहीं चलता है. तो हाउ टू यूज दिस रिटर्न वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ एरे और रादर लिस्ट. इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं. तो हाउ टू डू दैट. ठीक है, हम लोग अगर डायरेक्टली ऐसे लिख दिए तो नहीं चलता है. तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट हम लोगों को लिखना पड़ता है. तो टू शोकेस दैट अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, तो ए एस एम डी वी कैनॉट डू इट दैट डायरेक्ट. तो इसको एक सिंपल तरीका क्या है, वी कैन यूज एंड अपेंड दीज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो ये एक तरीका है. दूसरा मतलब अपेंड करके जाएंगे वो तरीका है. दूसरा है हम लोग डायरेक्टली इसको एज अ लिस्ट का पार्ट ही करेंगे. तो हाउ टू डू दैट, विल डिफाइन ए ऑफ जीरो. ठीक है, and we can define this a as an empty list hai. Theek hai, I can append the values at a of 0, a of 1, a of 2, theek hai, a of 3, and then I can pass that directly as a return a. Now here I can use that in some like result r is an empty list again. Okay, and I can assign the values in the r. So what will happen here is r mein
यहां से जो आर्ग्यूमेंट रिटर्न हम लोगों ने लिया हुआ है, दिस लाइक अभी चार वैल्यूज है, तो चार वैल्यूज के लिए आई कैन यूज इट एज जीरो 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 जीरो. So this is an empty. I can define it this way, and I can get the values of all, and then I can assign the r of zero. Okay, r of one and r of two and r of three. तो ये अगर मैं वैल्यूज लेता हूँ ऐसे, एंड देन आई पास द आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ एरे, लाइक दिस लाइक लीस्ट एक्चुअली रादर देन एरे, वी कॉल इट एज एन लीस्ट. तो दिस गिव्स मी अ चांस, एज दिस लीस्ट इज हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द मल्टीपल वैल्यूज. सो वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस लीस्ट टू स्टोर द वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज. ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज अगर मेरे को इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट ये पास करते वक्त जो पैरामीटर है उसको पास करते वक्त अगर स्टोर करनी है तो, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रन दैट नाउ. ओके, व्हाट हैज हैपेंड, लाइक इज देयर एनी टाइपो, वी हैड आर ऑफ जीरो, वी हैव गॉट द आंसर फॉर दिस, बट व्हाट्स द इशू, वी And type object is subscript table. R of zero, we got the result, but what's the issue? We are getting it as it's multiple. Okay, we'll check out with this. None type object is not subscript table. We have addition R of zero. Need to check out with this people. We'll check out with this and we'll let you know. We are getting the result, but this is what we are objecting. Okay, no issues. We'll see this, why it is not like working out with this. Okay, let me take a pause for this moment and ask you, like till this part, what we had seen so far, like we started with the simple function. We started with the simple function. I will allow you to like unmute yourselves so that you can. Okay. Okay. We had seen so far the part of different simple function. Then we had seen the part of addition and like having a two arguments, having multiple statements, having like a multiple thing, no question marks, ye wala special print function hai, and then we can return a single value, and even we can return a multiple values. Okay, so like apart from the last part where I had a question mark, but is there any problem like that you cannot like, can you write your own function? Can you take out the output of that functions? And uske baad usko work out karte wakat kuch bhi problem, like you feel it, like jabhi bhi aap ye functions likhoge. So I just given an example of addition, multiplication wagera. So you can have different functions. ठीक है, यू कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं. तो व्हाट्स योर पर्पस ऑफ राइटिंग द फंक्शन दैट यू कैन डिसाइड एंड यू कैन वर्क आउट विद. ठीक है, तो यस बोलो, इज देयर एनी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट? सो इंस्टेड ऑफ दिस लाइक आई कैन हैव अ प्रिंट ऑफ वैल्यूज directly R. If I do this way, I should not have any issue. ठीक है, so I got the answer for that like directly. So addition 25, everything. ठीक है, so is there any issue with this, like
Have you any doubt in regarding any of this? Sir, please repeat the last one. Yeah, that's what I am talking about. Like ये वाला जो है इसमें हम लोग जब भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसका वर्कआउट कैसे होता है देखेंगे. ठीक है, ओके, विल टेक इट एज एन कैल. इफ आई डू इट दिस वे, इफ आई एम टेकिंग दिस कैल राइट एंड I can append the values of a of 0, a of 1 to these values. And if I go with this, yes, CLA and CL, okay. Yeah, that was the issue. Okay. Now it should work. So at least like 20, even the earlier case, what was the issue, right, was here there was an calculator, ठीक है, calculator हुआ था and यहाँ पे जब नीचे R करके आ रहा था तो ये हम लोगों ने पहले जो लिखा हुआ है ना ये वाला calculator का definition इसको ले रहा था ये वाले program का part and वहाँ पे workout कर रहा था. So that was the issue. CALC अगर मैं यहाँ पे workout कर रहा हूँ तो you can see that what I done is I taken a blank list. एक लिस्ट लिया है मैंने. लिस्ट में मैं कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ, जितने चाहिए उतने एलिमेंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ. यहाँ पे मैंने चार किए हुए, तो देर आर लाइक फोर वेरिएबल्स और देर आर फोर पैरामीटर्स आई एम पासिंग यूजिंग दिस रिटर्न. इन दिस केस द सेम वे आई टेकन अप एज अ रिजल्ट, ये रिजल्ट करके मैंने ले लिया एंड फिर नो 20. ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो विद कंट्रोल जेड सो दैट yeah, this way also I can go ahead with. Now you can see that there is a problem of calculator. यहाँ पे जो है spelling का issue है. ठीक है, now if I go with it is pretty much now. So I will get this R0, R1, R2 individually. If I run this, I got add is 25, subtract is 15, multiplication is 100, division is 4. So why it was giving an error here? Because ये फंक्शन जो है यहाँ से फंक्शन ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा था, ये वाले फंक्शन के डेफिनेशन को जा रहा था वो. एंड यहाँ पे कैलकुलेटर के डेफिनेशन में जो लिखा था हम लोगों ने नाम उसमें गलत हुआ था वो, उसके चलते इट वाज नॉट पासिंग द आर्ग्यूमेंट एंड पासिंग नहीं करने की वजह से ये इसकी वैल्यू नल थी. नल मतलब इसमें वैल्यू नहीं थी. So that's why it was talking about R0, R1, R2, R3 जो है उसके values नहीं आ रहे थे. And जो run हुआ था वो वाला ये वाला part run हुआ था. Now addition, subtraction, multiplication, division ऐसे लिख के आ रहा था. ठीक है, now I will show you that like what was the mistake. अभी वापस मैं यहाँ पे अगर mistake कर देता हूँ नाम लिखते वक्त तो you will see that this will take the definition from the earlier. यहाँ पे अर्लियर प्रोग्राम के जो ये वाले प्रोग्राम का पार्ट है ना, ये दिस इज पार्ट ऑफ नोटबुक इटसेल्फ. सो इट विल टेक दैट डेफिनेशन ऑफ एन कैलकुलेटर एंड इट विल पास द आर्ग्यूमेंट देयर. ओके, नाउ हियर इट इज नॉट पासिंग दैट आर्ग्यूमेंट हियर बिकॉज ये वाला वापस से वर्कआउट नहीं हो रहा है क्योंकि ये कैलकुलेटर का डेफिनेशन. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिसकनेक्ट दिस. ठीक है, और आई विल मैनेज द सेशन बाई ये करेंगे इसको. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रन दिस कोड. ठीक है, मैं ये रन कर दूंगा. ये रन करने वजह से कैलकुलेटर का डेफिनेशन उस पर्टिकुलर फंक्शन का, अब अगर मैं ये रन करता हूँ यू विल सी दैट यहाँ पे आउटपुट तो आया है. ये आउटपुट कहाँ से आया है? ये वाले फंक्शन के डेफिनेशन से, ये वाले फंक्शन के डेफिनेशन से आया हुआ है. और ये यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर फंक्शन के नाम में हम लोगों ने मिस्टेक किया था तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू ये वाले फंक्शन में रिटर्न नहीं है, कहीं पे भी हम लोगों ने रिटर्न नहीं लिखा है एंड दैट्स व्हाई आर वॉज नल. यहाँ पे आर की वैल्यू नल थी. नल रहने की वजह से अगर मैं उसको नल ऑब्जेक्ट को अगर मैं उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है और उसको मैं
प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो देयर विल बी एन एरर. व्हाट एरर वी विल गेट इट एज नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. मतलब वो लिख नहीं पाते हम लोग आर ऑफ जीरो आर ऑफ वन हम लोग इसको यूज ही नहीं कर पाते क्योंकि आर इज अ नन. बिकॉज यहाँ पे ये कैलकुलेटर जो है उसने कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है तो आर में क्या जाएगा नन जाएगा. अगर कुछ नहीं देता है तो नन वैल्यू जाती है. नाउ इफ इट इज नन वैल्यू एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस इट्स कंटेंट अगर कुछ नहीं है और मैं वहां पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो देर विल बी एरर एंड दैट्स वाई दैट एरर अपीयर्ड हियर. ठीक है तो होपफुली इट्स क्लियर टू यू. अगर मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेटर ये बदल देता हूँ. Now it has been normalized and if I run now, I should get the output. So I got the output as addition, sub, add, subtraction, sub, multiplication, mul and division this. Yahan pe jo hai. Is it clear now? Hopefully. Yes, sir. Theek hai. So if I wish to pass the multiple arguments, I should use this particular as a list or as a dictionary वगैरह भी कर सकते हो. As a dictionary भी चलता है, as a dictionary भी pass होती है, as a return value हम लोग dictionary का भी use कर सकते हैं. So let's continue on that note. We have understood like this simple pro like simple function. Now there is a concept called as variable number of arguments. What do you mean the variable number of arguments is kabhi kabhi jo number of arguments pass kiye jate hain wo fix nahi hote hain अगर वो फिक्स नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि हर बार अलग अलग वेरिएबल नंबर अगर हम लोग वहां पे इंसर्ट करते हैं तो उसके हिसाब से मल्टीपल लाइक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो पास करते हैं हम लोग लाइक इफ आई डिफाइन दिस वे यहाँ पे जब भी मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे कभी कभी मेरे को दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं या कभी कभी एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है या कभी कभी चार आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं. इन दैट सिनारियो व्हाट हैपेंस इज आई नीड टू यूज अ स्पेशल आर्ग्यूमेंट. ठीक है so what kind of an argument I need to use it's kind of an like pointed argument that I need to use. So वहाँ पे कितने number of arguments pass करने ये fix नहीं है मेरे पास कितने number of तो variable number of arguments अगर मैं pass करता हूँ so let me explain it in different fashion. Suppose okay let's take an example like okay if I have a function something like this agar usme teen parameter a b c aise aate hain theek hai I can go on with d e f also but filhal hum log kaam karenge. Now kabhi kabhi ye function ko call karte waqt function sirf 10 value aayegi agar sirf ek hi आर्ग्यूमेंट आता है देन इट शुड डू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ये स्क्वायर रिटर्न आना चाहिए स्क्वायर रिटर्न जाना चाहिए स्क्वायर ऑफ द नंबर तो स्क्वायर ऑफ द नंबर शुड बी 100 रिटर्न जाना चाहिए. नाउ कभी कभी ये फंक्शन को दो वैल्यूज आती है सपोज 20 एंड 30 अगर 20 एंड 30 आता है तो द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन 20 and 30 should be written. Multiplication of 20 and 30 should be written. Now, if there are like three arguments or three parameters are taken as input, like let's take it 10, 20 and 30. Then what should happen is, पहले दो नंबर का addition होना चाहिए, ठीक है? Addition 10 plus 20.
एंड जो तीसरा नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए. नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रोग्रामर, ये रिटर्न आना चाहिए. कब? अगर तीन आर्ग्यूमेंट है तो, इफ द आर्ग्यूमेंट आर थ्री, ठीक है, इफ देर आर थ्री आर्ग्यूमेंट्स. नहीं, इफ इट इज द केस, इफ इट इज द केस इन दैट फैशन, इफ इट इज द केस इन दैट फैशन, तो उसके लिए हम लोग को अलग तरीके से लिखना पड़ता है. सो वॉट वी नीड टू राइट इट एज, हम लोग को हाउ वी विल बी राइटिंग दिस थिंग यूजिंग द इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग. सो लेट्स डू दैट. तो हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग. नाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है समझने के लिए, बट यू कैन डू दैट, ठीक है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड विद. इफ आई हैव अ फंक्शन विद ARGS बोलते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको. नाउ व्हाट आई विल नीड टू डू इज, as I told you, like whatever number of arguments are there, as per that we'll need to work out. So if length of args, okay, so object args, abhi ek kaam karenge, I will just show you this, like print length of args, that's it, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे. सो दैट यू विल कम टू नो, मतलब इसका फायदा क्या होता है देखते हैं. इफ आई पास टू थ्री फोर, ठीक है, पहले इस केस में मैंने चार किए है पास, वन वन कॉमा टू, देन वन वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर एट, तो आई शुड गेट इट एज फोर टू एट. And even I can pass it as I, hello, okay. If I run this, you can see that the crux you need to understand, okay. Aapko samajhna ye bahut zaruri hai. What is this? This is like a sort of pointer or an object actually we are creating, which is an having a variable kind of and stuff. Now, पहला जब हम लोगों ने ये फंक्शन को कॉल किया तो वी हैव पास्ड फोर आर्ग्यूमेंट्स टोटल, ठीक है. आई कैन पास लाइक 100 एंड देन 220 और 222 एंड इवन 203 एंड देन 409, ठीक है. सो देर आर टोटल फोर आर्ग्यूमेंट्स वी आर पासिंग. अगर मैं ये फोर आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं तो द लेंथ ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स, ये जो क्रिएट हो रहा है वो कितने उसमें एलिमेंट्स है, चार एलिमेंट्स है. सो देयर आर फोर एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर. ठीक, सेकंड केस में मैंने दो पास किए पैरामीटर, सो आई गॉट द लेंथ एज अ टू. इन थर्ड केस आई पास्ड एट आर्ग्यूमेंट्स, आई गॉट एट. इन थर्ड केस आई पास्ड टू, सो आई गॉट द टू. आर यू गेटिंग इट? लेंथ क्या करता है ये समझ में आया आपको? Have you understood this length? So number of parameters, आप देखो ना यहाँ पे आप चार पैरामीटर भी पास कर सकते हो, दो पैरामीटर भी पास कर सकते हो, तीन पैरामीटर भी पास कर सकते हो, और आप जीरो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, ठीक है. सो यू कैन पास द जीरो और, ठीक है, ये कळतंय का? याच्या बेसिस वरती पुढचं हँडलिंग राहतं, याच्या बेसिस वरती पुढचं हँडलिंग राहतं. हा पार्ट कळाला? यस, यस, नो, यस सर. ग्रेट ग्रेट, ओके. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप इट एज इट इज बिलो पार्ट. अभी प्रिंट की जगह पे मेरे को क्या करना है, आई विल टेक द लेंथ with the if condition, if length of arguments e equals to zero. अगर zero है तो क्या होना चाहिए, मतलब मेरे function ने कोई भी argument दिया नहीं है, if it has not given any argument, what should print? You have not
pass any arguments. Okay, it should print it. It should print it. Now, elif, अगर ये जो है length, ये length one है. अगर simple एक अगर argument pass किया गया है, एक argument pass किया गया है, ठीक है, एक ही argument pass किया गया है. मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल लाइक वन है, टू है, थ्री है, फोर है, जितने भी आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं उसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ एक ही अगर आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है, व्हाट एवर द वैल्यू इज, ठीक है, इन दैट सिनेरियो अभी मेरे को क्या करना है उसमें, क्या बोलते हैं, इसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते है, तीन भी हो सकते है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यूज भी करना है. अब मेरे को प्रिंट क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है, तो मेरे को अगर मैं इसका स्क्वायर करना है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. तो व्हाट वी कैन डू इज प्रिंट स्क्वायर नंबर. अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली आई नीड टू पास द नो, अगर मैं नंबर पास नहीं करता तो देर विल बी एक्सेप्शन. अगर मैं नंबर नहीं पास करता हूं तो देर विल बी एक्सेप्शन. सो इट शुड बी टेकन केयर दैट वी शुड बी नो लाइक जो भी वैल्यू हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो वैल्यू भेज रहे हैं दैट शुड बी लाइक प्रॉपर पैरामीटर, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करने जाता हूं और वो नंबर नहीं दे, नंबर की जगह पे हाय या हेलो जाता है, तो दैट विल गिव यू अ प्रॉब्लम, ठीक है. सो एआरजीएस मल्टीप्लाई बाय एआरजीएस, ठीक है, तो एआरजीएस इज एन आर्ग्यूमेंट जो हम लोग ने भेजा है, तो दैट गिव्स एन प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, तो विल सी दैट टू. नाउ इफ देयर इज नेली if that length is 2, so what I can do is I can do the addition of these number, I can do the multiplication of these numbers, AR of ARS of 0, ARGS of 0, ARGS of 1. I can go on utilizing this. This becomes actually okay. इसके साथ ये भी करना चाहिए था, मैंने ये भी दिखाना चाहिए था. I will show you this first so that it will be a more clear understanding you will get. Look, if I have defined function args, इससे आपको और आइडिया आ जाएगा क्लियर. पहला तो हम लोगों ने प्रिंट किया था उसका लेंथ, राइट, लेंथ ऑफ args, राइट, एंड इसके साथ मैं प्रिंट भी करता हूँ args को, सो दैट यू विल कम टू नो दैट हाउ इट इज स्टोर्ड, वो कैसे स्टोर किया जाता है. एंड आई कैन यूज दिस अगेन द सेम स्टफ यहाँ पे, तो you will come to know what exactly the ARGS stores. Look, what is this? What is this? ये क्या है? What is this? What is this? Yes, can anybody tell me what is this? Sir, at first the length is written. This is the length of the year. What is this? I'm asking. मैंने जो parameters pass किए हैं ये, ठीक है, it is storing in the form of tuples. In the form of tuples. ARGS का अगर मैं data type देखूंगा, it will show me as in tuple. Print type. So if I run this, you can see that. What is this? Tuple, right? It is tuple. In the form of tuple, it is storing. Now what I can do is, I can use this as an arg. So ARGS of actually 0. Multiply by args of 0, okay. Even I can go ahead with this part, and I
what we had decided was like, agar length 2 hai, there will be 2 elements. And in case of element agar 2 hai, to hum logo ne decide kiya tha, what we had decided, multiplication of these two numbers na? Kya decide kiya tha, yahan pe agar mere paas 2 number hai, to we decided the numbers to be multiplied each other. Theek hai? So that gets multiplied. And elif agar main karta hu, theek hai, if there are 3 arguments, then or rather square, it's multiplication. P equals to यहाँ पे addition of first 2 and subtract third equals to, so addition of first 2 number is arg is 0 plus 1, ये दोनों का addition हो रहा है यहाँ पे, and what we are doing is subtracting the args of. We can go ahead, like अगर इससे ज़्यादा element होते हैं, इससे ज़्यादा element होते हैं, किससे? If I go with like this, print too many parameters. ठीक है, too many parameters. I can print it like that. ठीक है, so with this what happens is अगर मैंने बहुत सारे parameters pass कर दिए तो it will print it as too many parameters. So this I will not use because we are using mathematical operation up there. So this will give me, okay, I need to go 1 and 2. ठीक है, multiplication 10 and 20 कर देंगे. पहले केस में हम लोग को टू मेनी पैरामीटर्स करके आएगा, दूसरे केस में एडिशन, एंड अगर मैं 9 भेज देता हूं तो आई शुड गेट एन 81. एंड पहला केस टू मेनी पैरामीटर्स, दिस विल प्रिंट एज अ टू मेनी पैरामीटर्स. दिस विल प्रिंट एज 200, दिस विल प्रिंट एज 81, this will be again a too many parameters, and this will print as none of the parameters are passed, no argument is passed, and then we can have the 3 numbers. So 3, 2 will be addition of 3 plus 2 and we'll subtract 4 from this, so we'll get the answer as 1 for this. So these are all the possible combinations we had done. And now we'll try to run this and we'll see that whether we get the expected output of this particular program or not. So in very first case, as I told you, like too many parameters. In second case, multiplication of number is 200. So we had decided and we got that as expected, 81. And then again, too many parameters because we passed like too many arguments. You have not passed any arguments, so we had not passed any argument here. And addition of first 2 and subtracting third number will give me result of 1. So this is what we have got. So if you have multiple arguments, as per the requirement of your ये वाला जो part है, company में सबसे ज़्यादा use होता है. Companies में सबसे ज़्यादा use होता है. ठीक है? जो अभी भी आप यूज करते हो ना, कोई भी, तो यहाँ पे अगर मेरा मल्टीपल चीजें है, मल्टीपल चीज है, ठीक है, तो अगर मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से कैसे वर्क करना चाहिए, उसके अंदर क्या वर्कआउट हो या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंड वी कैन डिसाइड एंड वर्कआउट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी वॉन्ट. उसके हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बाबा इसने क्या करके काम करना चाहिए, व्हाट इट शुड बी वर्किंग एज. ठीक है, सो विद दिस लाइक यू कैन हैव लाइक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट. इसमें और भी हो सकता है कि इसमें एक फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब ऐसे भी हो सकता है, a, args,
ए कॉमा ए आर जिसमें जो पहला जो रहता है ना, पहला जो पैरामीटर रहेगा जो भी यहां से मैं पास करूंगा, यहां पे मैं अगर पास करता हूं तो एटलीस्ट मेरे को वन कंपलसरी पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, मिनिमम वन पैरामीटर आई शुड बी पासिंग टू इट, एंड देन देर विल बी लाइक एनी एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आई कैन पास. एक्चुअली जो आपका प्रिंट फंक्शन है कि नहीं, प्रिंट फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पे हम लोग जो प्रिंट ये वाला जो यूज कर रहे हैं ना प्रिंट, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन एंड इट हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड एज दिस. ये अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ये भी ऐसे ही किया हुआ है, यहाँ पे पहला जो पैरामीटर है वो फिक्स्ड है एंड द अदर पैरामीटर्स आर लाइक वेरिएबल नंबर ऑफ ये है उसमें. तो इसमें जितने भी कॉमा डाल के आप इंसर्ट करते हो, तो मैंने जो दिखाया था ना हम लोग ऊपर भी यूज किए हुए हैं, तो कॉमा डाल के आप, नाउ दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू आर पासिंग, दिस इज अनदर आर्ग्यूमेंट यू आर पासिंग, यू कैन प्लेस अ कॉमा एंड यू कैन स्टिल गो ऑन लाइक एडिंग मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं उतने. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क फॉर द प्रिंट स्टेटमेंट, जितने भी हो सकते हैं ना ऐसे करके ना, देखो ना यहाँ पे. Okay, let me ask you how many parameters been passed in this particular statement? ये वाले print statement में कितने parameters pass किए गए हैं? बोलो, how many parameters? बोलो, how many arguments have been passed यहाँ पे ये print function के लिए, ये वाले print function के लिए कितने arguments pass किए गए हैं? Yes, what's the answer? My question is simple. From this print function, ये function को यहाँ पे उसका अगर मैं bracket के अंदर देखता हूँ तो how many functions been passed? How many parameters been passed? The answer for that is ये वाला text है. ये एक हो गया. ये दो. ये तीन. ये चार. ये पांच. और ये छः. टोटल सिक्स पैरामीटर्स बीन पास टू दिस प्रिंट फंक्शन. ये प्रिंट फंक्शन को छह पैरामीटर्स पास किए गए और उसके हिसाब से फिर ये आउटपुट पे या स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए जो भी लगता है उसको पीछे बैकग्राउंड में उसको एग्जीक्यूट करता है यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, जहां पे ये चेक करता है कि हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर एंड उसके हिसाब से उसको डिस्प्ले करता है. ठीक है, getting it? So have you understood this? Now here we haven't used any return value, so as per number of arguments I can also use the return value, I can also use the return value, hum log us hisab se return value bhi use kar sakte. Now maximum questions will appear in your test related to kind of an functions. नॉर्मल फंक्शन जो है इसके रिलेटेड, इसके इसमें मल्टीपल पैरामीटर रिटर्न के ही रहते हैं उसके रिलेटेड, और जो फंक्शन है जहां पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है वो वाला क्वेश्चन ज्यादा फेवरेट होता है, सो जब भी आपके ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं कोई भी टेस्ट में, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह में, तो दैट इज लाइक a part where people will ask you. Okay, are you getting it? Yes, let's continue on that note then. So if you understood this, I can use the same stuff and in every statement. Here I just printed this statement, I done the printing of this statement. What I can do is I can take these values in particular लिस्ट का एक एलिमेंट बना के, लिस्ट का एक आइटम बना के मैं ये पूरे वैल्यूज को रिटर्न कर सकता हूँ, ये इंडिविजुअल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता हूँ. आई कैन पास
बिकॉज पैरामीटर्स के हिसाब से ये पूरे पूरे के पूरे इफ स्टेटमेंट में से कोई तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. तो आई कैन यूज ओनली वन सिंगल स्टेटमेंट एज एन रिटर्न वैल्यू जेड करके, या मैं लिस्ट का भी एलिमेंट करके यूज उसको भेज सकता हूँ वापस, ठीक है, एज पर द लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट जैसे है वो उस हिसाब से. सो आई कैन डू दैट टू. तो आई कैन हैव अ सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल रिटर्न, आई कैन हैव अ सिंगल इनपुट एंड पैरामीटर एंड मल्टीपल आउटपुट, आई कैन हैव मल्टीपल और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल नंबर ऑफ आउटपुट्स और रिटर्न वैल्यू. सो फंक्शंस आर लाइक वाइड एंड वैरायटी ऑफ द फंक्शंस आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर थिंग. Have you understood this, everyone? Yes. Yes, sir. Understood. Great. Let's talk about lambda function then. एकदम simple है. Lambda function is very easy stuff to understand. Okay, let's go ahead. Now, suppose something like this is there. Now, if I go back here. Okay, if I have a equation of y equals to mx plus c, no, or I can have y equals to x plus 3, and if I have x value so on, like if I have x value, jo bhi x value hai, us hisab se, agar x value 0 hai, 1 hai, 2 hai, 3 hai, then y value will be it will be 3, 4, 5, 6, and so on. Like, now this is the equation I wish to implement. Okay. So what I can do is, I can write as y e equals to lambda, okay? Lambda, what is this x, right? Lambda x. E colon x plus 3. What is mean by this? Lambda means x is a functional variable which will have a different values. X will have a different values. And what is the equation? x plus 3. Now I can print this way. Print y of 3. With this y of 3, what happens is this 3 will be replaced in this particular equation. So, agar main ye y of 3 aise likhta hu, yahan pe to maine kuch nahi likha, but as this is a lambda function, hum log equation likhte waqt y of x equals to x plus 3 aise likhte hai na. Now, this is independent variable, y is a dependent variable. Y kiske upar depend karta hai? X ke upar depend karta hai. And x can be very x क्या क्या वैल्यू लेता है, उस वैल्यू के हिसाब से आपकी y की वैल्यू चेंज होती है. तो y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 ली है. If I write 3 here, what it will do is it will change the value of this accordingly. ठीक है, तो let's see that. ठीक है, yeah, we'll see that. So how to do that? I need to go back. I can write it as y equals to lambda x colon x plus 3 is the equation. Okay, x plus 3 is the equation. Now if I print y of 3, what should be the answer for this? I should get it as 6. So I should get it as 6. So yeah, equation solved. Now it is the simplest form. Now we can go with the complex equation also. What kind of a complex equation or some other equation as such? Now, if I have, instead of one, if I have two variables, suppose something like this, if I have 3x plus 7y. Now, this is the equation. And I have this as z of x comma y.
I can write it as zx x comma y. I am little moving towards mathematics, but this particular lambda function is very much important for us to understand. If I have equation as z of x comma y, x and y are my independent variables, and z is a dependent variable which depends on x and y values, and 3 times x and 7 times y is the equation. Now how I can write the lambda equation for this? Then the z is assigned lambda x comma y colon, this is 3 times x plus, I can use a round bracket also, plus 7 times y. This is the equation I can write. Now with this, if I print z of 1,1, agar z 1,1 likha, to I will be getting it as 3 into 1 is 3, 7 into 1 is 7, 7 plus 3 is 10. I should get the answer as 10. And if I go with like minus 1,1, then I should get as 3 into minus 1 is minus 3. And this, so I will get the answer as 4. Hi, equation kalatoega, kasa lila. Yes, people. Are you getting it? Lambda function kasa lila. Sopa hai. Okay, let's do that then. Agar aapko ye samajh mein aaya hai, toh, I can go with the 3 variable also and 4 variable also. There is no problem about going up with the variable number increasing. Aisa kuch bhi problem nahi. Let's do that. If I write another code where I have z equals to, yahan pe z is equal to round bracket wagera likhne ki zarurat nahi rehti hai. Lambda hum log define kar rahe to, lambda is x comma y, where we had taken it as 3 times x plus 7 times y. And now if I print z of 1,1 and print z of 1 minus 1,1, then I should get the 10 and 4 as an answer. So you can see that it has given 10 and 4 as an answer for this particular solution. So lambda functions can be used for different, you know, ye aap iske liye bhi use kar sakte ho. Even you can go with the values related to the alag alag functions mein hum log isko use kar sakte. We can use inside the function also. Theek hai? इसमें एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझने के लिए ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैम्डा, वी कैन यूज इट एज डबलर आल्सो. ठीक है, डबलर कैसे यूज होता है बताता हूं मैं. ठीक है, ओके. नाउ चेक आउट, बहुत मतलब ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट आई विल लेट यू नो देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डबलर एंड ट्रिपलर. ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डबलर एंड ट्रिपलर करके. सो डबलर फंक्शन एंड ट्रिपलर फंक्शन. ठीक है, नाउ डबलर फंक्शन एंड ट्रिपलर फंक्शन, नाम से तो पता चल रहा है कि अगर मैं ये फंक्शन को fun fun one, ठीक है, फंक्शन वन है ये डबलर फंक्शन है. सपोज डब डब लिखता हूं मैं, डब फन बोल के, डब फन करके लिखता हूं. ये फंक्शन को अगर मैंने 5 दे दिया तो आई शुड गेट 10 एज आउटपुट. ठीक है, एंड अगर मैं ट्रिप फन को 5 देता हूं तो आई शुड गेट 15 एज एन आउटपुट. ठीक है, तो मेरे को ये फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करनी है. तो जो भी मेरे को ये फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए मेरे को एक जनरलाइज फंक्शन डिफाइन करना है.
तो ये मेरा एल फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है सपोज. सो लैम्डा फंक्शन और इन दोनों के बीच में मेरे को रिलेशन लेके आना है, तो कैसे करता हूं देखो. व्हाट आई विल डू इज आई विल डिफाइन अ फंक्शन, आई विल डिफाइन एल फंक्शन, ठीक है, एल फंक्शन वेयर आई विल टेक द आर्ग्यूमेंट, आई विल टेक द आर्ग्यूमेंट एन एंड आई विल रिटर्न लैम्डा, आई विल रिटर्न लैम्डा सपोज ए करके लेता हूं और ए मल्टीप्लाई बाय एन करता हूं, जो एन आया है ना ये. नाउ व्हाट इज ए तो ए और एन मेरे को डिफाइन करने पड़ेंगे अभी, ठीक है. नाउ ए इज आई एम रिटर्निंग, ठीक है, मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं, मतलब अभी बताता हूं कैसे होता है क्या है. नाउ लेट्स टेक दिस वन डबल फंक्शन करके मैं एक यूज करता हूं, ठीक है. डब फन इक्वल्स टू एल फन एंड आई एम पासिंग टू. लुक, ये थोड़ा समझने में तकलीफ जाता है. नाउ डब फन करके मैंने एक लिखा और उसको डब फन इज नॉट लाइक हम ये डब फन इज हैज सेम एज दैट योर जेड और इज सेम एज दैट ऑफ योर वाई, ठीक है. ये जो डब फन यहाँ पे लिखा है ना मैंने अभी डब फन, तो ये जेड या ये जो y है उसके जैसा है, क्योंकि इक्वल टू लैम्बडा लिखा है ना हम लोगों ने, लैम्बडा करके लिखा है उसके सामने. ये अगर आप स्टेटमेंट देखते हो तो उसके सामने लैम्बडा करके लिखा है. अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ये टू लिखा है. अब क्या होता है देखो, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे बदल जाता है. डब फन मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेप लिख रहा हूं. नाउ दिस एल फंक्शन की जगह पे ये रिटर्न आया है ना, रिटर्न क्या है, लैम्डा ए कोलन ए मल्टीप्लाई बाय टू. बराबर है ये टू, क्यों, बिकॉज वी हैव पास द एन विच इज इक्वल टू टू, यहां पे टू करके पास किया हुआ है. नाउ आई कैन प्रिंट डब फन फाइव. सो वट शुड बी द वैल्यू फॉर दिस, वट आई विल गेट हियर एज 10. वाई, बिकॉज इट्स अ लैम्डा फंक्शन ए ए और कळतंय का बघा, हे हा फंक्शन फक्त आपण रिटर्न जो टाकतोय व्हॅल्यू त्यानुसार यावा याच्या करता लिहिलेला आहे. आय कॅन हॅव अ डबलर. नाउ इन केस ऑफ ट्रिपलर, ट्रिप, ठीक है, ट्रिप फंक्शन इक्वल्स टू एल फंक्शन, व्हाट आई शुड पास हियर, मैं क्या लिखना चाहिए यहां पे सो दैट इट शुड बिकम अ ट्रिपलर. मैंने क्या लिखना चाहिए यहां पे जो ये ट्रिपलर बनेगा, three. I should write three. Wonderful. If I write three, this trip function equals to lambda. ठीक है, lambda a colon a multiply by three. ऐसे हो रहा है ये because of this particular stuff यहां से. अब यहां पे अगर मैं print करता हूं, print ट्रिपलर फंक्शन फाइव, देन आई विल गेट द आउटपुट एज 15. आई विल गेट द फंक्शन आउटपुट एज 15. लेट्स ट्राई टू राइट द बोथ स्टफ, ठीक है, हम लोग ये दोनों भी तैयार करने की कोशिश करेंगे. लेट्स डू दैट. डबलर ट्रिपलर बोलते हैं इसको, इट्स अ वेरी फनी थिंग एंड इट्स बीन नाउ ट्रिकी चीज के लिए यूज किया जाता है, इवन सॉर्ट ऑफ रिकर्शन करने के लिए भी आगे यूज होता है. सो लेट्स सी, रिकर्शन इज डिफरेंट नो फंक्शनैलिटी ऑल टुगेदर, यू कैन यूज इट. सो डिफाइन लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा फंक्शन इज एन पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, सो रिटर्न द लैम्बडा ए कॉलन ए मल्टीप्लाई बाय एन. Now I can use dub function equals to
L function multiply by, or rather I should be passing the 2. Now I can print def fun equals to 5. So this will give me a output as 10. This will give me an output as 10. Or triple function ke liye kya kar sakte hai? L fun. मैंने अगला स्टेटमेंट लिखा था ना, ऐसा ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा था ना, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था. ये लैम्बडा ऐसा ये बनता है, ये इक्वेशन बन जाता है. आपको एक्सक्लूसिवली वापस से यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए, ट्रिपलर के लिए, ऐसा बनता है आप अंदर. जब ये स्टेटमेंट लिखते हो ना आप, तो अंदर ये ऐसे बन जाता है. और उसकी वजह से जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ ना, तो वो एग्जीक्यूट उसी हिसाब से करता है, ट्रिपलर फंक्शन और डबलर फंक्शन. दिस विल गिव मी 15 एज एन आउटपुट. सो इफ आई रन दिस नाउ, आई विल गेट द आउटपुट एज 10 एंड 15. आई गॉट द 10 एंड 15. यहाँ पे एक ही चीज समझने का है हम लोगों को, समझ के क्या लेना है कि whatever function we write this, now hum log yahan pe generalize kar sakte hain. Instead of 2, if I write 4, it will be a quadruple, matlab 4 guna de dega. Yahan pe 5 pentatimes, 5 times, theek hai, hexatimes, and then 7 times or 8 times or 10 times, theek hai. Jitni value aap likhoge uske hisab se ye bana dega us particular function ko. Have you understood this, everyone, people? So use of lambda function, samajh mein aaya? Yes, sir. You can have like lambda, yes, function, sir, for tripler or doubler. Wonderful, wonderful, great. Okay. So now what we can do is we can also go with recursive functions, but recursive functions thoda sa digestion ke liye takleef dete, but you can always try to understand that. What is mean by recursive? Ek function dusre, matlab usi function ko wapas se call karte jayega. Now the best example for this is for calculation of factorial. जबी भी अभी फैक्टोरियल ऑफ नंबर जबी भी आप देखते हो, तो दिस इज द स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑलवेज बीन टेकन फॉर अंडरस्टैंडिंग और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन रिकर्शन. सो व्हाट इज मीन बाय रिकर्शन इज, इफ फैक्टोरियल अगर मैं निकालना चाहता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, नाउ इफ आई हैव 5 एज अ नंबर एंड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द 5, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 टिल 1. सो वी गेट इट एज 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये इसका आता है 120 एक्चुअली, ठीक है. एंड 6 का फैक्टोरियल आता है 720. सो हाउ इट कम्स, लाइक 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये जो मल्टीप्लीकेशन n इंटू n माइनस 1 है, ये मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते जा सकते हैं यूजिंग द फैक्टोरियल नंबर, ठीक है. तो हाउ टू डू दैट, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एन रिकर्शन. रिकर्शन सपोज आई हैव n इक्वल्स टू 5, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन. दिस विल बी 5 एंड व्हाट इट विल डू इज इट विल चेक दैट whether this particular n is equal to 1 or not, is equal to 1 or not. Agar 1 hai, to it will return 1. Otherwise it will return, what it will return is, it will return x multiply by again the same function, whatever function name, minus 1, x minus 1. Matlab agar x, जो x हम लोग, इंस्टेड ऑफ n वी कैन टेक x, x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन फैक्टोरियल फैक्ट ऑफ 5, ऐसे भी ले 5 माइनस 1 व्हिच इज 4, अगेन इट विल डू दैट मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ.
Likewise, it will be a recursive. So we will try to write the recursive function now. Recursive matlab एक ही चीज समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि सेम फंक्शन मतलब अगर फंक्शन जो भी है उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के डेफिनेशन में हम लोग वापस से यूज कर रहे हैं. वी आर यूटिलाइजिंग द सेम फंक्शन डेफिनेशन इन द सेम फंक्शन उसी फंक्शन के डेफिनेशन में उसी को यूज करना है. सो दिस बट it is not always a good practice to use recursive very heavily because aapke memory mein aur jo bhi baki bhi elements hai jo ram hai ya memory element hai ya programming capability hai kabhi kabhi deadlock wagera mein lock hone ke bhi chances hote hain. So this gives you a problem when you are using the number of thing. Okay, so let's do this, try to work out with this. Isko hum log वर्कआउट करेंगे अभी. ठीक है, एंड लुक अंटिल एंड अनलेस यू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस स्टफ्स बहुत डिफिकल्ट जाएगा. अगर आप आज मैं बता रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, इट फील्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी, बट अंटिल एंड अनलेस यू डू इट योरसेल्फ यहां पे कहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को कहीं कहीं पे सेमी कॉलन वगैरह इंसर्ट करने की या कहीं पे हम लोगों को स्पेस डालने की, प्रोग्राम लिखते वक्त स्पेसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है पाइथन लैंग्वेज में, तो कहीं कहीं पे हम लोग स्पेस डाल देते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग इसको कैपिटल में लिख देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग कैपिटल में लिख देते, तो दैट शुड नॉट बी फॉलोड. नाउ जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है प्रोग्रामिंग के, वो उसको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है. So until and unless you do it on your own, you will not find what kind of mistakes you are pursuing with. So usse iska sabse behtar tarika hai khud hoke khud hi ne program likhna hai. So then and then only it will be a very comfortable for you to work out with this particular stuff. So let's define fact. If I am factoring, like factoring the x की जगह पे a वगैरह भी लिख सकते हैं, there's no big deal. कुछ भी चाहिए, जो चाहिए वो लिख सकते हैं. Now we should be checking out the value of a if it is equal to 1 or even it is less than 1. If it is equal to 1 or it is less than 1, we should return accordingly. ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन भी हैंडल करने के लिए हम लोगों को डालना पड़ेगा. विल डू दैट, विल रिटर्न 1. ठीक है, एल्स व्हाट शुड बी द वैल्यू इट शुड रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, और रादर एक्स की जगह पे हम लोगों ने ए लिया हुआ है ना, राइट, फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस 1. ठीक है, so finally it will return the value of a multiply by that, jo final ye value hai. Look, if I now do this thing, print factorial of 5, okay? So I should be getting the value as 120. So I got the value as 120. Agar main 6 bol deta hu to I should get it as 720. If I say 10, it is a very big number, like 36,28,800. It's the big number that at only the 10 digits factor. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 15 भी कर देता हूँ, then this will become very very large number. And if I go on, let's try this. If I go with 20. It will further increase the number. Now if I increase it to 50, it will be beyond our, okay, this much big number actually gets, now it starts truncating out. And if I go on like, if I go on like 80 numbers or 90 numbers, it will very big. Check out how much calculations that number need. Okay, how much calculation it must be now giving the pressure to the processing unit,
कितनी बार उसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है एंड कितने बिग बिग नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से. तो दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दिस इज एग्जीक्यूटिंग एंड योर रैम गेटिंग एग्जीक्यूट लाइक यूटिलाइज्ड फॉर स्टोरिंग द नंबर्स. ओके, यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे हम लोगों ने यही फंक्शन को कॉल किया है. व्हाट हैपेंस हियर इज चेक आउट एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट इट विल डू इज इट विल टेक द वैल्यू 5, इट विल टेक द वैल्यू 5, इट विल मल्टीप्लाई इट बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4. नाउ दिस फैक्टोरियल ऑफ 4 विल ऑल्सो अगेन एग्जीक्यूट, सो दिस विल मेक इट एज 4 multiplied by factorial of 3. And then this factorial of 3, what it will do is it will call again and it will multiply by 3 multiplied by factorial of 2. And then factorial of 2 will again call and this will make it as 2 multiplied by factorial of 1. Now this factorial of 1 will like take it as 1 because यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा उसको. जैसे उसने 1 रिटर्न कर दिया, यहाँ पे 1 आया, देयर विल नॉट बी अ फर्दर फैक्टोरियल फंक्शन कॉलिंग. सो सिंपली दिस विल मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे मल्टीप्लाई करके ये आंसर. नाउ हियर द प्रॉब्लम लाइज विद दिस, इफ आई ट्राई टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ 0, इफ आई रन दिस, ठीक है, इट इज गिविंग मी एन एरर, रिकर्शन एरर. व्हाट इज मीन बाय रिकर्शन एरर, यहां पे 0 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 अगर करता हूं तो -1 का फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट विल गो ऑन लाइक -2 ऐसा करके एंड तक. बाय डिफॉल्ट इफ ए इक्वल्स टू 1 और ए इज लेस देन equals to 0 है, अगर वो नीचे जा रहा है तो सिंपली इट शुड रिटर्न 1. तो इन दैट सिनेरियो इफ आई रन हियर आई शुड गेट अ फैक्टोरियल एज 1. तो हाउ टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, पहले केस में क्या हुआ, एक्सेप्शन आया था, दैट वाज एन एक्सेप्शन कि बाबा आवर वैल्यूज वेर गोइंग इन नेगेटिव व्हिच वाज एन एक्सेप्शन. सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हाट वी डन इज वी एडेड दिस कंडीशन. We added this condition that if a of value of a becomes less than 1 or equal to 1, then it should return 1. So now, agar main yahan pe factorial of 0 bhi bhejta hu ya even I go with the factorial of -1, which is not acceptable. Actually, factorial should be done for the absolute numbers. But agar main koshish karta hu factorial of -10 wagera dalne ki. ठीक है, इफ आई पुट अप विद द -10 वैल्यू देन ऑल्सो आई शुड गेट द 1 एज एन आउटपुट. ठीक है, आई गॉट दैट 1 एज एन आउटपुट. 9 का तो ये आ रहा है, उसके बाद 0 का ये आ रहा है, -10 अगर है तो -10 इट शुड नॉट एक्सेप्ट इट, बट स्टिल एज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर हैंडलिंग इट विल गिव मी अ रिजल्ट एज 1. सो लेट मी गो बैक अगेन फ्रॉम द स्टार्ट. Look, whenever we start with the definition, this is definition of, now, what is the beauty of this particular, यहाँ पे अभी ये confusion नहीं होना चाहिए कि sir, याचा मदे hello, जो function वगरे लिए तो है, याचा main वगरे function असतो का, ठीक है, Python मदे main function असतो का, जसा आपन C language मदे main, void, वाइड मेन वगैरे लिहितो की नाही तसा याच्यात मेन असतो का, तर असतो, याच्यामध्ये सुद्धा मेन फंक्शन असतो, बट एक्सक्लुसिव्हली त्याला लिहित नाहीत, त्याला एक्सक्लुसिव्हली लिहिलं जात नाही, पण तिथे फंक्शन असतो, मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट असतो. अँड देर आर सम ट्रिकी थिंग्स दॅट वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन वन्स वी ट्राय अँड अंडरस्टँड दी कन्सेप्ट रिलेटेड टू दी क्लासेस. ठीक है, क्लासेस अगर मैं देखता हूँ, क्लासेस समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो वहां पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, ओके, सो फार सो गुड. हैव यू अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैड डिस्कस्ड टुडे लाइक रिलेटेड टू द फंक्शंस?
function is little tricky and very important from this perspective of understanding purpose jo hai uski. Have you understood this, everyone? Yes, sir. Are there any questions, queries, or anything that you wish to ask about? अगर कुछ questions, queries वगैरह है तो feel free to ask them. Okay. If there are no queries or questions, we'll try to talk about further like tricky nature of your print statement. Now let's talk about this. Now if I do this way, if I print 2, so what do you expect ki output kya aana chahiye? It should be an error, it should be a value 2, or what should be the output it should give me? What should be the output I should get out of it? 2 error. Okay, few error. People feel it error. Okay, error aayega. Aur hum logo ne abhi isse pehle dekha, abhi function hum logo ne dekha ki multiple arguments ho sakte hai, to this will not give you an error, it will directly print 2 on the screen. Theek hai. And if I continue like this, if I do print 2 multiply by 20, ठीक है, if I multiply by 20, 2 multiply by 20, what I will get as an output? ये अगर मैं 20 से multiply करता हूँ तो what I will get as an output? 2 multiply by 20. So if I run this, you can see that it has directly multiplied this value by 20, which is 2 multiply by 20 is given me as an output. Now, but instead of this, if I write something like this, instead of 2, I write it in, now if I multiply it by 20. Sir, it will print 2 20 times. Wonderful, wonderful, wonderful. Because 2 is now no more integer, it is a text file. So it is a text and it will take this. I can keep a space in between also. Main agar yahan pe space dalta hu specifically, then I will get this 2 2 2. This is printed 2 20 times. Okay. Now there is funda called as print. Agar main 2 likhta hu, then 3 multiply by 10 karta hu, and then I can take 2, or I can take hash, and I can add with another dollar. So what it will do is it will concatenate this 2, hash and dollar. 3 multiply by 10, it will print it as 30, and this will be 2. So if I run this, you can see that hash and dollar has taken up together. There is a 30, there is a 2. So whenever you use the comma, now yahan pe agar main comma use karta hu, look this way. Yahan pe agar main comma use karta hu, if I run this again, if I use the comma operator in between, there will be a default space in between. Yahan pe space aayega hi aayega. But if I use concatenation operation use karta hu, to there will not be any space additionally. Agar meko inke beech mein space chahiye, to I should put it up here in the text itself. So I need to, you can see now there is a space in between, kyunki maine hash ke baad yahan pe space dala hai. So that you need to understand. So concatenation operation aur ye jo comma operation hai, ye dono ke beech mein kya difference hai? Now if I want to print a line in between, mere ko print karni hai line, so I can have a single quote, and ye agar main multiply karta hu by 60,
then I will get a line in between जो मैंने पहले भी दिखाया है, so I will get the line in between. तो ऐसे line करके मैं differentiate कर सकता हूँ कि बाबा this is the first line and then second line, so on and so forth. ये line के बीच में differentiate कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? Now what you need to do is as a challenge part for like today's challenge, what you need to do is challenge number 4, what you need to do for the day is you need to take 5 items name. ठीक है, दैट कैन बी लाइक एसी, फ्रिज और इवन फैन, ओवन एंड टीवी एंड सो ऑन, जो भी चाहिए. इसमें से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट में से कोई भी कर लो, ठीक है, ओवन वगैरह कोई भी रहने दो, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन रहेगा या कुछ भी, जो भी है आपको लगता है, लैपटॉप रहेगा, कुछ भी. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो भी है वो कोई भी 5 प्रोडक्ट आप लोगे. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज वंस यू टेक दैट 5 प्रोडक्ट, यू नीड टू फॉर्मुलेट अ टेबल. ठीक है, आपको क्या करना है, टेबल फॉर्मुलेट करना है. कैसे फॉर्मुलेट करना है, जो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ऐसे 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 डैश्ड इसके फॉर्म में, और यहाँ पे ये वाला इसमें ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे नेम और नंबर एंड यहाँ पे नेम लिखेगा, और देर विल बी अनदर लाइन हियर, देर विल बी अनदर लाइन हियर ऐसे, और नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा, यहाँ पे सपोज टीवी, नंबर 2 आएगा यहाँ पे फैन, नंबर 3 जो है वो है रहेगा आपका एसी, एंड उसके बाद, ठीक है, एसी और यहाँ पे फ्रिज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये आपका आउटपुट आना चाहिए, इट शुड लुक लाइक दिस द आउटपुट. ना इसमें से आपको मैंने ये वाला लाइन कैसे निकालना है उसका हिंट दे दिया है. आई हैव गिवन द हिंट ऑफ दिस, और अदर हिंट आई हैव गिवन दिस. ये कैसे निकालना है उसके बारे में बोलता हूँ, हाउ टू राइट और हाउ टू गेट दैट. मैं एक एक बाय वन बाय वन बताता हूँ वो, हाउ यू विल गेट दैट. सो टू गेट इट यू नीड टू प्रिंट सिंगल, और ये वाला जो है ना, ये आपका जो स्लैश रहता है ना, स्लैश के ऊपर कीबोर्ड पे एक और सिंबल बोलते हैं उसको, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाजू में तो रहेगा, नहीं तो शिफ्ट के ऊपर, मतलब एंटर बटन के ऊपर रहेगा आपके कीबोर्ड पे, ठीक है, तो दैट विल बी देयर. तो शिफ्ट पकड़ के उसके ऊपर प्रेस करोगे तो ऐसा सिंबल दिखेगा. एंड नाउ आई कैन प्रिंट इट हियर एंड आई कैन कीप द गैप. एंड देन आई कैन take it up and I'll repeat. ठीक है, if I run this you'll come to know that कि दिखेगा कैसे. So you can see that, and if I go on, and if I continue like this, अब इसके बीच में जहां पे भी आपको लिखना है, यहाँ पे 01, ठीक है, और यहां पे आएगा टीवी, एंड इफ आई रन दिस कोड यू विल गेट दिस 01 टीवी. ऐसे करके आपको मैनेज करके पूरा लिखना है. एंड इफ आई विश टू हैव दिस अगेन इन बिटवीन दिस, गेट इट. थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना,
बहुत अच्छी तरीके से आप पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट, तकलीफ होगा लेकिन आप समझ के अगर करोगे तो यू विल बी यू नो लविंग इट. इट्स अ काइंड ऑफ एन ग्राफिकल स्टफ दैट यू विल बी एबल टू डू इट. दिस विल बी द चैलेंज दैट यू नीड टू परस्यू. Surely I will surely share this like programs with you in the form of ये link. मैं Google Classroom में share कर दूंगा आज. Like are there any questions related to this challenge? ये challenge के related कुछ question है? हे अखंड असं दिसणार नाही है, don't worry about it. ठीक है, ये hyphen रहता है तो you can use that. So looks good to me. Yeah. So thank you so much, everyone. If you don't have any question, queries, you can always you can leave the Sir? Session right. Yeah, please go ahead. What's the code for Google Classroom? Okay, Google Classroom code. I had your branch. Tushar, are you there on the official WhatsApp group of yours? Yes, sir. I have already shared there in the WhatsApp group. Okay. Even the other day, I had shared the same stuff on the screen also. Still, I will share it today again. Your division is actually I'm not able to join. Is there any problem with that? We'll need to check out. I will check out division A. Okay, we'll check out what the issue is, why you are not able to join. I have lot many classes, I need to check out. Okay, this is TUI make Python. Okay, they're there are already 27 students who have joined, and there is a classwork. I already updated the challenges stream, and if I go ahead with the settings of this, there should not be any issue. AW4P jo hai na ye wala class code hai, AW44FSP. Are you finding it difficult with this code? Yes sir. Okay, so hopefully this is comfortable for you to join in, right? Okay. So thank you everyone for listening me patiently. See you tomorrow with the next session.